चलिए अब हम बात करते हैं 1.10 की। तो 1.10 सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए तो उसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने द्विध्रुव आघूर्ण दिया रहा है कितना, 4 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसमें आपको थीटा दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, और साथ में क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ है, यानी ई का वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है क्या बल आघूर्ण पूछा जा रहा है कि द्विध्रुव पे कितना होगा, और बल आघूर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। ठीक, तो जो जो चीजें दिया हुआ है आप उसको लिखिए पहले। तो क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो जो दिया है इसमें इन्होंने पी दे रखा है, आघूर्ण का वैल्यू दे रखा है कितना, आघूर्ण बराबर कितना, आघूर्ण बराबर इन्होंने दिया है 4 × 10⁻¹⁹ कूलम, और क्या दिया है, ई का वैल्यू दिया है हमें कितना दिया है, ई का वैल्यू है 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और थीटा हमें दे रखा है, थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री, और हमसे क्या पूछ रहा है, टाउ पूछ रहा है। ठीक, तो फार्मूला आपको याद ही होगा, क्या हो जाएगा, टाउ का फार्मूला क्या होता है बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाउ बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे पीई साइन थीटा, अब इस फार्मूले को आप पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। टाउ बराबर पी कितना दिया है, 4 × 10⁻¹⁹ इंटू ई का वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁴ साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे थीटा का वैल्यू 30 रखिए, साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 कितना होता है, त्रिकोणमिति में पढ़े हैं ना, 1/2, तो पुट कर दीजिए 4 × 5 अभी 10⁻¹⁹ हम इकट्ठा कर रहे हैं जगह, ठीक, 10⁻¹⁹ इधर 4 था तो +4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, 2 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10 की घाते कितना, -9 और +4, तो 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 9 में से 4 गया तो बचा 5, तो -5। ठीक, अब देखिए, अब हमको हम इसी में इसको इसी आंसर में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स हमारा ये कहता है कि इधर लेफ्ट से एक डिजिट के बाद इसमें दशमलव लगाइए, तो आप दशमलव खुद से लगाएंगे, तो जब आप इसको 1.0 बनाएंगे तो एक डिजिट के बाद दशमलव लगा रहे हैं ना, तो -5, और एक डिजिट के बाद लगा रहे हैं तो यहाँ पे +1 कर दीजिए, तो आ गया 1.0 × 10⁻¹⁹ और +1 कितना, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा माइनस का है तो माइनस, और ये हो गया -4, इसका यूनिट कितना होता है टाउ का, तो टाउ का यूनिट कितना होता है, टाउ का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये हमारा आंसर।